को इस वीडियो में एक चीज़ बतानी थी, वो ये कि आप लोगों जब इस पे अकाउंट अपना बना लेंगे तो बनाने के बाद जो है आप लोगों ने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो ये अकाउंट है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा है सेट दी सेंटर, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले जो है मतलब जब कोई भी बंदा न्यू अकाउंट अपना बनाए तो जिन लोगों ने पुराने बनाए हैं वो भी चेक कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर न्यू है मैं उन्हें बता दूँ जो जिन्होंने आजकल परसों या इस तरह ज्वाइन किया है, तो उन्होंने सबसे पहले जो है निकनेम पे मॉडिफाई मतलब इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे वो अपना नंबर जो है कोई भी डाल सकते हैं, लाइक नाम सॉरी डाल सकते हैं, कोई भी अपना शॉर्ट नेम जो है। उसके बाद नीचे लिखा है मॉडिफाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी थर्ड नंबर पे, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ तो अपना आपने नंबर लिख दिया। अब अगर आपका जो है अकाउंट नंबर और है लेकिन व्हाट्सएप नंबर आपका और है तो आप व्हाट्सएप का नंबर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अकाउंट मेरा नंबर ये है और व्हाट्सएप का नंबर मेरा ये है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे भी आप अपना व्हाट्सएप का नंबर अगेन लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपना जीमेल लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना यहाँ पे फेसबुक की जो आईडी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इससे जो है मतलब उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है, ये लाजमी है क्योंकि इससे जो है आपका अकाउंट ज़्यादा जो है सिक्योर हो जाता है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड है, यहाँ पे अगर आप अपना भूल जाएं तो फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि आपका अकाउंट जो है ओपन होना चाहिए। फंड पासवर्ड में आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जब आप अपना विड्रा लेने लगेंगे तो आपको तब इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने जो है इसमें डिजिट्स में यानी कि लिखना है, यहाँ पे 6 तक होने चाहिए, यानी कि कोई भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अगर आपने ओल्ड किया हुआ है यानी कि पहले सेट किया है, रीसेट करना चाहते हैं तो आपने पुराना जो है वो लिखना है, उसके बाद न्यू जो है यहाँ पे 2 लिखने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ सबमिट पे कर देना है। अगर आपका ऐसा नहीं है सीन कि आपने पहले नहीं लगाया तो आपने जस्ट यहाँ पे अपना जो है 2 बार लिखना है और सबमिट पे कर देना है, ठीक है जी। तो आपका जो पासवर्ड है वो विट्रा का सेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपने उसके बाद माई वॉलेट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपना जो है यहाँ पे माई वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जिसमें लेना है TRC20 USDT, लाजमी से याद रखिए TRC20 USDT का ही आपने यहाँ पे जो है सबमिट करना है अपना एड्रेस, तो जिससे जिस पे आपको विड्रा मिलेगा। उसके अलावा जो है सॉरी बैक आ गया ज़्यादा, रिसीविंग एड्रेस पे क्लिक करना है, एंड पे करने के बाद एड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना है। करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नंबर लिखना है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें जिस सिटी में रहते हैं, उसके बाद सबमिट पे करके आपने बैक आ जाना है। बस इतना सा आपने ये सेटिंग लाजमी से कर लेनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जब विड्रा किसी का जो है वो उसे मिलता नहीं है तो इस वजह से नहीं मिलता, ज़्यादा दिन इसलिए लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो है इन्फॉर्मेशन वो सबमिट नहीं की होती। तो अच्छा, जाते जाते मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आपने किस तरह यहाँ पे इनवाइट करना है, क्योंकि अक्सर लोगों को इनवाइट करने का नहीं पता। तो आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको कॉपी का जो ऑप्शन एक नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है। आपका जो मतलब कॉपी आपका जो लिंक होगा वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने वो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिसे भी आपने ऐड करना है। उसके अलावा आपने होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे ग्रैबिंग का भी बता देती हूँ जाती जाती। तो आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपने जो भी आपका पैकेज है 20 वाला 20 पे क्लिक करना है, कोई भी है तो उस पर क्लिक करना है, और गेट दी ऑर्डर यानी गेट ऑर्डर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और करने के बाद ये 3 सेकंड ये चलेगा काउंटडाउन। उसके बाद जो है कुछ ऐसे होगा, उसके बाद जो है फिर ये आपके सामने ऐसे आएगा, आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो बस इतना सा आपने करना है काम। इस तरह आपने जो है अपने पूरे 50 करने हैं, यहाँ पे 49 आ गए, यानी 49 जो है मेरे ऑर्डर रहते हैं, एक मैंने फिनिश कर दिया। जैसे ही आप अपने करते जाएंगे यहाँ से कम होते जाएंगे, यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, और जब यहाँ पे 50 हो जाएं तो इसका मतलब आपने सारे कर लिए। उसके अलावा एक और चीज़ जो ये है मैं बताना मुनासिब समझती हूँ, ऑर्डर पे क्लिक करना है। समटाइम आपका ऑर्डर जो है वो मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता, तो आपको बार बार बताते हैं कि आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में है या कुछ इस तरह का लिखा आता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है ऑर्डर पे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है अभी तो मेरे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपके यहाँ पे ऑरेंज कलर का लिखा होगा पे इमीजिएटली, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने होम पे जाना है, सेम वैसे ही आपने करना है, आपने 20 वाले अपने जो है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने ऑर्डर जो है वो ग्रैब करना स्टार्ट कर देना है। तो ये सिंपल सा काम था जो मैंने आप लोगों को बताना था अकाउंट के बारे में, यही इन्फो देनी थी।
तो इससे जो है आप लोग अपना अकाउंट जो है इजीली अपना सारा रन कर सकेंगे अकाउंट। तो अच्छा, जिसे नहीं समझ आ रही कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, वो ये वाला ऑप्शन देख ले, ये वाला ऑप्शन। तो उसने इस यहाँ से मतलब कस्टमर सर्विस से बात करनी है, यहाँ पे विड्रा के लिए ऑर्डर, अगर जो है आपके इसमें प्रॉब्लम है तो रिचार्ज का जिसे इशू है, विड्रा का जिसे इशू है, और यहाँ पे ऑर्डर जिसके जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो ये अलग अलग से उन लोगों ने नंबर दिए हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है वो बंदा। और रिचार्ज का जाते जाते बता देती हूँ, रिचार्ज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करना है, जो न्यू मेंबर हैं उन्हें बता रही हूँ एंड पे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि 20 सेलेक्ट कर ली, रिचार्ज अमाउंट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने जो है वो इस तरह आएगा, तो आपने इसे कॉपी कर लेना है। आप चाहें तो मुझसे भी सेंड करवा सकते हैं, मुझे पेमेंट PKR में दे के $20 आप सेंड करवा सकते हैं अपने अकाउंट में, ये आपने मुझे सेंड कर देना है, या फिर इस पे ऐसे आपने कॉपी करना है। अगर आपके पास अमाउंट है $20 की, तो आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने बिनास ट्रस्ट वॉलेट कहीं पर भी जाना है जहाँ पर आपके $20 पड़े हैं, तो इसे यहाँ पर इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपने वो स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट अपलोड में यहाँ पर आप क्या आपने जो है सेलेक्ट करके गैलरी से अपलोड कर देना है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है और बैक आ जाना है। और फिर कस्टमर सर्विस पे क्लिक करके यहाँ पे, तो आपने फर्स्ट नंबर वाले व्हाट्सएप पे क्लिक करके जो है आपने अपने जो व्हाट्सएप से रابطہ कर लेना है, और स्क्रीनशॉट अपना यूज़र नेम और नंबर जो है सेंड कर देना है कि भाई हमने जो है रिचार्ज कर दिया, हमारा रिचार्ज जो है वो अप्रूव कर दे। सो गाइस, यही थी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और जो है यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।